दरभंगा पुलिस दिन रात एक्टिव है और लगातार अपराधियों के धरपकड़ में लगी हुई है। इस बीच पुलिसकर्मी सहित 3 घरों से 20 लाख से अधिक के गहने व नगद की चोरी हो गई है, जो कि सीसीटीवी में चोर भी कैद हो गए हैं। भालपट्टी उपी क्षेत्र के नैनाघाट गांव में बंद घर से चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने एक साथ पुलिसकर्मी सहित 3 घरों में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। लगभग 20 लाख के गहने व नकदी चोरी होने का अनुमान है। चोरों ने गोदरेज लॉकर व बक्सा तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। भागलपुर में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर राहत हुसैन, डॉक्टर मुजाहिद एवं पूर्व डीएसपी स्वर्गीय शफीउर रहमान के बेटे हैदर खां के घरों में चोरी हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में 2 से 3 लोग घटना को अंजाम देते हुए देखे गए हैं। इंटरव्यू सुनिए पप्पू खान और अमित कुमार एसडीपीओ का। के बाद एक साथ 3-3 घर में चोरी होती है और बंद घरों को भी टारगेट किया गया है, जिसमें एक पूर्व डीएसपी सफीउर रहमान साहब है उनके घर में चोरी हुई है। अभी वर्तमान में गोपालगंज में एसआई राहत हुसैन का के घर में चोरी हुई है। जेल पुलिस में कार्यरत एक है उनके घर में भी, उनका बंद घर था उसको भी टारगेट किया गया है। इस तरह से कुल मिला के 3 घरों में चोरी हुई है। और अब पुलिस का जो रवैया है वो एकदम बिल्कुल से कह लीजिए कि पूरी तरह से वो सिर्फ NH के थाना के बगल में गाड़ी लगा के गाड़ियों से तस्वीर करना है, कहाँ क्या हो रहा है, गश्ती करनी है कि नहीं, इन चीज़ों से उनको मतलब नहीं है। जिसका कारण है कि आज एक साथ एक घर में 17 में नैनाघाट में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। अभी तक पुलिस घटना मैंने चोर को पकड़ने में पूरी तरह विफल है, जिसका सीसीटीवी भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है, लेकिन पुलिस अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। एक टायर्ड पुलिसकर्मी है जिनके घर में चोरी हुई है, पुलिस की टीम गई थी, टेक्निकल टीम गई थी, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। 3 घरों में हुआ, एक घर ऐसा है जो बीच बगीचे में है, काफ़ी दूर 100 मीटर तक लगभग कोई और घर नहीं है, जांच पड़ताल की जा रही है। 3 घरों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है, खंगाला जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, मामले को दर्ज कर यथोचित कार्रवाई की जाएगी, जो भी होंगे जल्दी पकड़ में आएगी।